उनसे मिलकर हमें भरोसा हो गया कि सीता का पता अवश्य लगेगा। लेकिन मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ जरूर पूछिए प्रभु। जब से हम ऋष मुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है, हम साथी दुख सुखों के हैं, कह चले चलो तुम्हारा क्या है। महाराज तुम पर कौन सा संकट है जिससे तुम हमेशा चिंतित ही रहते हो। सुनो प्रभु, हम जिसके भय से डरते थे वो हर सा दुखदाई है, यद्यपि वो मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई है। सुने भगवान सुनना, छोटी छोटी सी बातों पे सर्वदा तना रहता है वो, ले लिया राज पत्नी छीना अब मेरा काल बना है प्रभु। मेरा भाई बाली बस बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तोलती है, मालूम हमें यह होता है सिर उसके मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत स्वर्णी दे अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे, यह राज पाठ सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। चंद्र की जय। सुनी सेवक जीव मानि हौ बालिए कहिमान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नव रही प्राण। महाराज हाँ कहिए भगवान। हम तपस्वी वेश में अवश्य, लेकिन क्षत्रिय वृत्ति से उत्पन्न उत्साह और गुरु के द्वारा दी हुई विद्या से मैं आपको भरोसा देता हूँ, ये जो मेरे बाण हैं अमोघ हैं, ये सर्पों की भात छूटते हैं और इंद्र के वज्र की भात भयंकर चोट करते हैं। मैं उन्हीं भरोसे पर आपको भरोसा देता हूँ कि सुराचारी बाली को मैं एक ही बाण में मार गिराऊंगा, अब उसके प्राण इस पृथ्वी पर स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। प्रभु कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अति रण धीरा। प्रभु एक संत है आपसे मेरी, कहिए महाराज। प्रभु इस सात काल के वृक्षों को जो एक बार में ढाएगा तक्षक ने यह लिख रखा है और विजय बारी पर पाएगा। प्रभु ठीक है महाराज। दुंद भी अस्ति बार बार ना वही पद सीसा, प्रभु जाने मन हरस कपीसा, तो ग्रीव संग रघुवा।